टू माई चैनल अमायराज होम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं गर्मियों में। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और थोड़ी केयर करनी भी गर्मियों में मुश्किल होती है स्किन की। तो आज वो उस रिलेटेड बात करेंगे, और बिल्कुल ही इसमें कोई एज सच कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ होगा। घर में सिंपल चीज़ से, हम आइस क्यूब से हम अपने फेस को ठीक कर सकते हैं। अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आइस क्यूब्स के फ़ायदे की, हमें बर्फ से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, जो मैं डेली रूटीन पे इसको यूज़ करती हूँ। कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बर्फ़ को ज़रूर यूज़ करती हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि ये किस किस पर्पस के लिए यूज़ होती है और इसका क्या यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोइंग स्किन के लिए, कि आइस क्यूब ग्लोइंग स्किन के लिए कैसे काम करता है। तो अगर आप आइस क्यूब है जो वो अपने फेस पे लगाते हो, तो ये आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको सुधारता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, और आपकी स्किन है जो वो काफ़ी ब्राइट नज़र आती है इसको लगाने में। कुछ नहीं करना इसमें, आपको आइस क्यूब लेना है और उसको एक कॉटन के कपड़े में लीजिए, लाइक हैंकी हो गया, ठीक है, उसमें लेकर के आपको अपने फेस पे जस्ट ऐसे ऐसे रब करना है, मतलब धीरे धीरे से ऐसे ही। आप डैब 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 भी कर सकते हैं सिंपल। ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है और नुस्खा है सिंपल, और कोई मतलब इसमें पैसे नहीं लगेंगे, कोई कुछ नहीं लगेंगे। तो ये थी मेरी फर्स्ट ग्लोइंग स्किन के लिए। सेकेंड रेमेडी है डार्क सर्कल के लिए। डार्क सर्कल ऑलमोस्ट सबको ही फेस करने पड़ रहे हैं आजकल, काफ़ी जन के ये होते हैं, काफ़ी जन की ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गुलाब जल हम उबालेंगे, उसमें खीरे का रस है जो वो ऐड करेंगे। खीरे को क्या कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, ठीक है, उसको फिर उसका मतलब निचोड़ के हाथ से प्रॉपर वो उसका रस आपके पास निकल आएगा, तो वो आप उसमें ऐड करिए। उसको फ्रीज़र में रख के आइस क्यूब्स मतलब जो ट्रे होती है उसमें रख दीजिए, और जब वो पूरी तरह से मतलब जम जाएगी, बर्फ़ आइस क्यूब बन जाएगी, तो उसको आप डेली अपनी आइस पे यहाँ पे लगाइए, आपको पक्का रिजल्ट देखने में मिलेगा। तो ये थी मेरी सेकेंड रेमेडी। थर्ड है फॉर पिंपल्स के लिए, कील मुहासे जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने पिंपल्स के लिए, तो उनके लिए क्या है कि आप आइस क्यूब लगाइए वहाँ पे, और ये दिन में एक या दो बार जरूर कीजिए अपने वहाँ पे, आराम से डैब 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 करिए। अगर आपको पेन होती है तो उसको प्लीज़ आराम से लगाइए। ये क्या करता है कि आपके जो ऑयल निकलता है आपके फेस से उसको कम करता है, और उसको रोकता है ऑयल को आने पे, तो काफ़ी ये हेल्प करता है। और जो आपके मतलब पिंपल के साइड पे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, आपको पेन होती है, उससे ये काफ़ी आपको राहत दिलाएगा। फोर्थ मैं आपको बता रही हूँ मेकअप के लिए। अगर आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो ये उसके लिए है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, अब स्वेटिंग के कारण हमारा मेकअप इतना ज़्यादा टिक नहीं पाता अगर हम खुद मेकअप करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आइस क्यूब को अपने फेस पे अच्छे से रब कर लीजिए, उसे मतलब सुखा लीजिए टॉवल से, और उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, और आपको असर उसी टाइम पे इसका दिखेगा कि कैसा एकदम से अच्छा इफेक्ट आता है, और इससे आपका मेकअप है जो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। उसके बाद है, अगर आपके ड्राई लिप्स रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप आइस क्यूब का यूज़ कीजिए, उसके ऊपर आइस क्यूब लगाइए, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, यूज़ करके देखिए इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। लास्ट रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सनबर्न के लिए। सनबर्न के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है, मैं खुद इसका यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सनबर्न हो जाता है गर्मियों में। तो इसके लिए आप अच्छे से उसको आइस क्यूब को वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि कपड़े में ले, या फिर डायरेक्ट भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और आप देखोगे कि आपकी रेडनेस भी उसमें उससे कम होगी, और एकदम से आपकी जलन भी कम होगी। अगर आपको जलन हो रही है, इसको आप डेली इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फर्क लगेगा। देखना, आप सुबह शाम इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक ही बार करना है। तो गाइज, अब ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है जो मैंने आपको बताई है, आप ट्राई कीजिए। और गर्मियाँ हैं तो दिन में एक बार ठंडे पानी से मुंह जरूर धोइए। अगर आपको जलन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है एकदम से, मतलब कई बार होता है ना कि ऐसे लगता है कि जल रहा है फेस, पसीना, स्वेटिंग आ गई है, तो ठंडे पानी के जो फ्रिज का पानी होता है ना, उससे आप छींटे मारिए, आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइज, ये थी सारी रेमेडी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये सीरियसली गाइज बिल्कुल वर्क करती है,
100% ये वर्क करती है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। क्योंकि गर्मियां हैं तो आप यूज़ भी कर सकते हैं, सर्दियों में तो वैसे ही वो ठंडा ठंडा सा लगता है तो हो भी नहीं पाता। तो आप इसको गर्मियों में इस रेमेडी को सारे जो मैंने आपको बताए हैं उसके लिए ज़रूर यूज़ कीजिए। खास करके अगर आपके स्किन पे फेस पे बहुत ज़्यादा जलन होती है, रेडनेस है, तो ये उसके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा। आप इसको जरूर ट्राई करके देखिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।